नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 नवंबर रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोचिंग माफिया पर नकेल कसने के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत प्रदेश भर में कोचिंग निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ अभिभावकों और डॉक्टरों को भी शामिल किया जाएगा। वही स्टूडेंट्स की शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, जिसकी निगरानी मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि देश भर में प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के चलते स्टूडेंट्स काफी परेशान हैं। पिछले कुछ वक्त में काफी स्टूडेंट्स ने आत्महत्या भी कर ली है, इसलिए स्टूडेंट्स की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कोचिंग गाइडलाइन 2022 तैयार की है, जिसमें स्टूडेंट्स की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के साथ उनकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम किया गया है। ऐसे में जो भी कोचिंग संस्थान सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर के जुरहरा थाना इलाके में देर रात ट्रैक्टर और बोलेरो कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो में सवार दो दोस्तों की मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर का ड्राइवर ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। बोलेरो में सवार व्यक्ति सैसन गांव की तरफ से आ रहे थे। घटना सैसन और लाडलाका गांव के बीच की है। बोलेरो में दो दोस्त इरफान इरसाद और पीछे की सीट पर एक बुजुर्ग और एक बच्चा बैठा था। सभी लोग अपनी रिश्तेदारी में हो रहे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। मृतकों के परिजनों ने अभी तक पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अजमेर, जयपुर व जोधपुर जिला मुख्यालयों पर इस परीक्षा का आयोजन 15 से 17 नवंबर तक होगा। आयोग सचिव एचएल अटल ने बताया कि अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक पर जाकर आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ट कर डाउनलोड करना होगा। अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र हेतु अलग अलग प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थी परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ जारी आवश्यक निर्देश का अवलोकन कर लें। नागौर जिले में रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर एक पति ने पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड से 7 से 8 वार कर दिए। पत्नी वहीं ढेर हो गई। इसके बाद आरोपी पति ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। परिवार वालों ने उसे पकड़कर रस्सी से बांध दिया और पुलिस को सूचना दी। मामला खीमसर थाने के ताड़ावास गांव का है। खीमसर थाना पुलिस ने मैं जाप्ता मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी अशोक बिस्सू ने बताया कि 35 वर्षीय रामचंद्र मेघवाल का अपनी 33 वर्षीय पत्नी मंजू से घरेलू बातों को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। बात इतनी बढ़ गई कि रामचंद्र ने लोहे की रॉड से पत्नी के सिर पर दे मारी, जिससे मंजू की मौत हो गई। इसके बाद रामचंद्र ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। परिजनों ने उसे रस्सी से बांधकर पुलिस को सूचना दी। जैसलमेर की गीता आश्रम कच्ची बस्ती में चोरों ने बड़ा हाथ मारते हुए करीब 34 लाख रुपए की बड़ी चोरी की। शहर कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर फोरेंसिक टीम के साथ पड़ताल शुरू की। मकान मालिक चोरी के समय अपने गांव गए हुए थे। चोरों ने ताले तोड़कर अलमारी में रखे सोने के करीब 40 तोले के गहने और 8 लाख रुपए चुरा लिए। पुलिस सीसीटीवी की मदद लेकर चोरों की तलाश कर रही है। पीड़ित स्वाई सिंह ने बताया कि घर में करीब 40 तोला सोना और 8 लाख रुपए रखे थे, जो उनकी मां कांता देवी ने अपनी दोहिती की शादी के लिए इकट्ठा करके रखे थे। वे लोग पिछले 7 दिनों से अपने गांव बासनपीर आ जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वन रक्षक भर्ती परीक्षा की पहली पारी की परीक्षा शनिवार सुबह 10 बजे शुरू हुई। सेंटर्स पर सुबह 9:30 बजे तक ही कैंडिडेट्स का प्रवेश होने से सुबह 8 बजे ही सड़कों पर रौनक नजर आने लगी। कैंडिडेट्स सेंटर्स के आसपास पहुंचने लगे। सुबह निर्धारित समय पर पूरी तरह जांच के बाद इन लोगों को प्रवेश करवाया गया। सुबह 9:30 बजे के बाद पहली पारी में किसी भी कैंडिडेट को प्रवेश नहीं दिया गया। वही परीक्षा की दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई, जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा के लिए विभिन्न जिलों के कैंडिडेट्स परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। जयपुर में एक्टिवा चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि चोर जयपुर के रहने वाले ही युवक हैं, जो गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में देने
और महंगे शौक पूरे करने के लिए एक्टिवा चुरा रहे थे। ऐसा कर दोनों लड़कियों के सामने खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते थे। चोरी की गई स्कूटी अलग अलग लड़कियों को चलाने के लिए दे देते थे। पकड़े गए दोनों ही चोर अच्छे परिवार से हैं। घर से मिलने वाले खर्चे से शौक पूरे नहीं हुए तो स्कूटी चोरी करना शुरू कर दिया। इन्हें 10 स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया है। सोडाला थाना पुलिस ने बताया कि 19 वर्षीय कुणाल सिंह उर्फ नोनी और 19 वर्षीय शिवम उर्फ अंशुमान सिंह को गिरफ्तार किया है। दरअसल चोरी की स्कूटी चलाते हुए झोटवाड़ा में सोडाला पुलिस ने युवती को रोक कर पूछताछ की तो चोरी के मामले का खुलासा हुआ। जैसलमेर जिले में सरपंच के फर्जी साइन कर पट्टे देने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रुपयों के बदले फर्जी पट्टा देता था। मामले में पुलिस 10 महीने से जांच कर रही थी। मामला नाचना पंचायत का है। मोहनगढ़ थाना प्रभारी भवानी सिंह ने बताया कि मामले की FIR 6 जनवरी को दर्ज की गई थी। नाचना सरपंच तेजल सोनी ने बताया कि नाचना के रिकॉर्ड में पट्टा बुक नहीं है, उसके बाद भी फर्जी पट्टा बुकों का इस्तेमाल कर फर्जी पट्टे काटे गए। सरपंच तेजल सोनी के फर्जी साइन कर पट्टों का नवीनीकरण भी करवाया गया। विवादित पट्टे ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में ही नहीं है। जांच के दौरान किशन लाल को आरोपी पाया गया। 10 महीने की पड़ताल कर जुर्म साबित होने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अजमेर में एक अध्यापक के साथ 1,10,000 की ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। ठग ने क्रेडिट कार्ड से बीमा हटाने का झांसा देकर OTP पूछे और 3 बार में यह राशि विड्रॉल कर ली। भिनाए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आचार्य मोहल्ला भिनाए निवासी सत्यनारायण शर्मा ने रिपोर्ट देकर बताया कि उनके पास एक फोन आया और कॉलर ने अपने आप को SBI क्रेडिट कार्ड का कस्टम केयर से बताया। उसने कहा कि आपके क्रेडिट कार्ड पर 3,500 रुपए का बीमा हो गया है, इस बीमा को बंद करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हामी भर दी। बाद में OTP पूछकर क्रेडिट कार्ड से 99,500 रुपए पहली बार, उसके बाद 10,140 रुपए व तीसरी बार 1,100 रुपए निकाल लिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे एक कंटेनर को जब्त किया। कंटेनर पंजाब के मोगा से नागौर, भीलवाड़ा, उदयपुर होते हुए गुजरात के सूरत की ओर जा रही थी। वहीं कंटेनर से अलग अलग ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 625 कार्टन बरामद किए गए, जिसकी मार्केट वैल्यू 45 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद डबोक के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर एक 6-चक्का कंटेनर की तलाशी ली गई। इस दौरान विभिन्न ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराबों के कुल 625 कार्टन बरामद किए गए। मौके से कंटेनर ड्राइवर नाथाराम जाट निवासी बाड़मेर को गिरफ्तार किया गया है। Thank you.